बोल। और इस वक्त जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष प्रेसिडेंट रविंदर रैना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जम्मू में हम उनके घर के ठीक सामने खड़े हुए हैं। रैना जी, जो विंग कमांडर अभिनंदन हैं, उनकी घर वापसी हो गई है, पूरा देश जो है वो जश्न के माहौल में है इस वक्त, किसको आप क्रेडिट देना चाहेंगे? क्या ये भारत सरकार की मजबूत पॉलिसी को जाता है इसका क्रेडिट, या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी को जाता है जिसकी तरफ से दबाव पड़ा, या फिर इमरान खान को, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने आज इमरान खान को थैंक यू कहा है? ये 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का दम है। हाँ। ये भारत देश की सेनाओं का दम है। ये इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और हमारी नेवी का दम है। ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, SSB, CRPF और हमारे अलग अलग देश के हिस्सों में अपने देश की सेवा कर रहे जवानों का दम है। और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की पॉलिसीज और उनका दम है कि 24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान को हमने घुटनों के बल लाया। ये हिंदुस्तान का दम है। बस जहां आप नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी कहती है कि बीजेपी तो राजनीति कर रही है, अब इसके नाम पर, एयर स्ट्राइक के नाम पर भी वोट बटोरने की कवायद चल रही है। देखिए, कांग्रेस क्या कहती है हमें नहीं मालूम है। हाँ। कांग्रेस पहले दिग्विजय सिंह को संभाले, जो ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहता है। हाँ। संजय निरुपम को संभाले, मणिशंकर अय्यर को संभाले, जो पाकिस्तान में जाके कहता है कि भारत की सरकार का तख्ता पलट करके दे दो। गुलाम नबी आजाद और सैफुद्दीन सोज, जो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, कांग्रेस उनको संभाले जो देश के साथ गद्दारी करते हैं। कांग्रेस, लेकिन आपको भी तो येदियुरप्पा जी को संभालना होगा ना अपने। वो कह रहे हैं कि एयर स्ट्राइक के बाद जो है वो मोदी लहर में इजाफा हुआ है, और उनका पक्का हो गया कि कर्नाटक में अब 22 सीटें तो निकाल। जो देश का राजा होता है, जो नेतृत्व करता है, क्रेडिट उसको भी तो जाता है ना। हमारे जब देश के जवानों पर पुलवामा में हमला होता है, 130 करोड़ हिंदुस्तानी एकजुट होकर एक आवाज में उन्होंने देश के प्रधानमंत्री जी से गुहार की, मोदी साहब बदला चाहिए। पूरे देश ने किसको कहना है? प्रधानमंत्री जी को कहना है। और प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया, ना भूलेंगे ना माफ करेंगे। अर्थात उन्होंने देश के शहीदों को याद किया और कहा जो देश के लिए कुर्बान हो गए हैं उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और 14 फरवरी को पुलवामा में घटनाक्रम होता है और 26 फरवरी को पाकिस्तान के ऊपर ताबड़तोड़ बम गिराए जाते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने उस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर किया, कितनी बार जो है सिक्योरिटी जो नहीं, लेकिन यानी आप ये मान रहे हैं ना कि इस एयर स्ट्राइक के बाद मोदी लहर में देश में इजाफा हुआ है? देखिए, इस येदियुरप्पा जी की जगह आप भी मानते हैं ना, इस उनकी तरह देश के 130 करोड़ हिंदुस्तानी मोदी जी से प्यार करते हैं। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को मोदी जी पर गर्व है, मोदी जी के और जनता को विश्वास है। मैं आपको बताऊं, पूरा हिंदुस्तान हमने लगातार देखा, पूरी दुनिया सड़कों पर है, टेलीविजन के माध्यम से पूरी हिंदुस्तान का आक्रोश हमने देखा। किसी एक व्यक्ति ने पुलवामा हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर किसी ने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, सबने एक आवाज में कहा हमें मोदी जी पर यकीन है, और कोई होता तो हमें शक होता, मोदी नहीं छोड़ने वाले हैं, मोदी नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया रणदीप सिंह सुरजेवाला ने, उन्होंने कहा कि सीमाएं जो हैं वो सेना संभाल रही हैं और प्रधानमंत्री बूथ संभाल रहे हैं। आपने शुरू किया था ना, मेरा बूथ सबसे मजबूत। देखिए, सेनाएं सीमा के ऊपर अपना काम कर रही हैं। हाँ। और बखूबी कर रही हैं, पूरा देश जानता है। और सेनाओं को छूट प्रधानमंत्री जी ने दी। प्रधानमंत्री जी ने तीनों सेनाओं को कहा आप स्वतंत्र हैं, बदला लीजिए। सेनाओं ने बदला लिया, प्रधानमंत्री जी ने, पूरे देश ने सेनाओं की पीठ थपथपाई। अब कांग्रेस के पेट में क्यों तकलीफ हो रही है हम समझ सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान पिट गया है, पाकिस्तान के आतंकवादियों को मारा गया है, पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर बदनाम हुआ है, और हिंदुस्तान की शान बड़ी है। हिंदुस्तान ने अमेरिका और इजराइल के बाद
हिंदुस्तान तीसरा ऐसा मुल्क है रूस के बाद चौथा ऐसा मुल्क है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक्स की और एयर स्ट्राइक मारी जाके दुश्मन में के मुल्क में, और जब पूरे देश में पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की जय जयकार हो रही है, भारतीय सेनाओं की जय जयकार हो रही है, जब पूरी दुनिया में मोदी साहब की जय जयकार हो रही है, मुझे लगता है कि तो कांग्रेस को तकलीफ होना स्वाभाविक है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है ये गद्दारों का एक टोला है और कांग्रेस पार्टी के डीएनए में खराबी है जी। नहीं, एक 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 ये बात वैचारिक तौर पर कही जाती है कि भाई जो हमारी सेना है वो अपना शौर्य दिखाती है, लेकिन सरकार में मौजूद जो पार्टी है वो उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करती है और उसको चुनावों में भुनाने की कोशिश करती मैं है। कहता हूं, दिक्कत वहां हो जाती है। आखिर भारत एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया हमारा, और यहाँ के ऊपर चुनी हुई सरकारें वो निर्णय लेती है। और अगर आप प्रधानमंत्री जी ने ये उड़ी हमले के बाद निर्णय लिया कि सर्जिकल स्ट्राइक होगी, निर्णय तो प्रधानमंत्री जी का है, सरकार ने लेना है ना। और पुलवामा हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी साहब ने, सरकार ने निर्णय लिया नहीं सर्जिकल स्ट्राइक नहीं एयर स्ट्राइक करेंगे पाकिस्तान के ऊपर, तो निर्णय सरकार ने लिया है और इस बहादुरी भरे निर्णय को पूरी दुनिया ने सराहा है। कांग्रेस को लोग जानते हैं ना, मुंबई अटैक हुआ था तो कांग्रेस की सरकार थी, कितने सैकड़ों लोगों की जाने गई थी, और मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी उस समय अपने घर में छिप गई थी। आप जवाब दे रहे हैं, लगता है आपके विचार पीएम मोदी से काफी मिलते हैं। पीएम मोदी तमिलनाडु में थे आज और उन्होंने यही बात कही कि 26/11 के बाद कुछ नहीं हुआ था और उरी और पुलवामा के बाद देखिए हमारे बहादुर जवानों ने क्या कर दिखाया। ये सच्चाई है ना, हकीकत है। नहीं तो ये राजनीति नहीं है कि 26/11 के बाद आप कह रहे हैं कुछ नहीं किया, जब हम आए सत्ता में तभी हमारे जवानों ने काम करना शुरू किया। तो मैं आप ही से सवाल पूछता हूँ, 26/11 के बाद कांग्रेस ने क्या किया? सेना, हमारे देश की सेना वही है, हमारा क्षेत्रफल वही है, लोग वही हैं, कार्यालय वही हैं, नॉर्थ ब्लॉक वही है, साउथ ब्लॉक वही है, पार्लियामेंट वही है, लोकसभा वही है, राज्यसभा वही है, सिर्फ प्रधानमंत्री बदल गए और एक दमखम वाले प्रधानमंत्री आए। और ये प्रधानमंत्री जी का दम है, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत है कि पाकिस्तान को घुटने के बल हमने लाया और 24 घंटे के अंदर अंदर हमको हमारा विंग कमांडर साहब वापस हिंदुस्तान के अंदर आया और ताकत के साथ आया, दम के साथ आया, पाकिस्तान की घुसकर पिटाई भी की है, और जब उसका एयरक्राफ्ट जेट फाइटर F-16 भारतीय सीमा में घुसा उसको वहीं मार गिराया, वो भी हमारे मिग ने मार गिराया, मिग ने मार गिराया। मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला जी, और मैं आपको बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं जो बाकी चैनल्स के पास शायद नहीं होगी। जब पाकिस्तान के जेट फाइटर F-16 ने हमारी भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन किया, एयर स्पेस का वायलेशन किया, नौशेरा सेक्टर में वहां से MLA जी उस क्षेत्र के अंदर घुसे, तो भारतीय वायुसेना ने उनको घेर लिया और F-16 पूरे घेरे में आ गया। हमने कोशिश की कि उसको सरेंडर करके उसके विमान को उतारे कहीं किसी अमृतसर में या आगरा जो हमारा एयर बेस है वहां उसको उतारा है। अच्छा, उसको हमने सरेंडर करने के लिए, और वो एक टाइम एग्री भी कर गया था सरेंडर करने के लिए, लेकिन शरारत में आके उसने उड़ा के अपना विमान 90 डिग्री एंगल बना के सीधा और भागने की कोशिश की, तब हमने उसको हिट करके वहीं ठोक दिया और इस बैटल के अंदर हमने उसको मार गिराया। तो बहुत बड़ी कामयाबी है, हमने तो सरेंडर करने की उसको पूरा था और दुनिया को दिखाते हैं ये देखो। इसीलिए ये हिंदुस्तान की ताकत है, नरेंद्र मोदी साहब की ताकत है, हमारी आर्मी के जवानों की ताकत है। बाकी ठहरे नवजोत सिद्धू, वो भारतीय सेना का जवानों का थैंक्स थोड़ी करेंगे, वो आर्मी के जेट फाइटर्स और आर्मी के पायलट्स का थैंक्स थोड़ी करेंगे, वो देश की मजबूत सरकार का थैंक्स नहीं करेंगे, वो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का थैंक्स नहीं करेंगे, वो तो इमरान खान का थैंक्स करेंगे ना। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के कहने पर इमरान खान ने कोई हमें कोई उपहार में गिफ्ट में नहीं हमारा जवान हमको वापस दिया है। कल दिन में पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान आया कि हम हिंदुस्तान के विंग कमांडर को छोड़ सकते हैं लेकिन नेगोशिएशन करो, कोई समझौताबाजी करो, कोई बातचीत करो। उसी वक्त प्रधानमंत्री जी ने तीनों आर्मी एयरफोर्स और नेवी के जितने हमारे जनरल हैं तीनों जनरल्स को बुलाया और कहा कि 5 बजे इंडियन एयरफोर्स के जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं
और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं और एडमिरल हैं जो नेवल चीफ हैं, ये तीनों 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि अगला निर्णय हमारा क्या होगा। 5 बजे तीनों सर्विसेज चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, तो पाकिस्तान ने 4 बजे अनाउंसमेंट कर दिया, नहीं 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 ये लो हम देते हैं। नहीं, ये तो निश्चित तौर पर सरकार की मजबूती दिखाता है कि जिस तरह से पाकिस्तान ये इस बात पर मजबूर हुआ कि वो अभिनंदन को, विंग कमांडर अभिनंदन को यहाँ पर भेजे। लेकिन एक बात जो राजनीति वाली मैं कर रहा था, इमरान खान ने खुद नहीं बोला, आपने पार्लियामेंट सेनेट के अंदर, पाकिस्तान के पार्लियामेंट में इमरान खान ने खुद बोला कि मैं पिछले 2 दिन से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को फोन कर रहा हूँ, बात करने की बात नहीं हो रही है। अर्थात प्रधानमंत्री जी ने फोन नहीं उठाया हमारे, क्यों उठाएंगे पाकिस्तान का, ये ताकत होती है। बताइए कि अब क्योंकि 2019 का चुनाव जो है वो सर पर है, और हमने देखा कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो वो चुनावी मुद्दा बनी, तो ये एयर स्ट्राइक भी चुनावी मुद्दा बनेगी या नहीं? देखिए, चुनाव होते रहते हैं, चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, पार्टियां जीतती हैं, पार्टियां हारती हैं, दल बनते हैं, दल बिगड़ते हैं, बिखरते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। देश मजबूत रहना चाहिए, तिरंगा झंडा शान से आसमान में लहराना चाहिए, उसी में हमारा गर्व है, उसी में हमारी जीत है, उसी में हम हैं। हमारा देश है तो हम हैं, हमारा हिंदुस्तान है तो हम हैं, हमारा तिरंगा झंडा है तो हम हैं। अब तो पाकिस्तान ने मान लिया है कि मसूद अजहर वहीं पर है, और ख़ास तौर पर कुरैशी साहब ये भी कहते हुए नज़र आए कि भाई उनकी इस वक्त तबीयत खराब है, साहब लगा के वो बोल रहे थे कि मसूद अजहर साहब की तबीयत खराब है। चलो, अगर उसकी तबीयत खराब है तो कोई नहीं, ठीक कर देंगे हम। अच्छा ऑपरेशन करना हम जानते हैं, हमारे डॉक्टर्स बड़े काबिल हैं, हमारे आर्मी में भी डॉक्टर्स होते हैं, बढ़िया इलाज करते हैं, पूरी सर्जरी और बढ़िया करेंगे, पूरी सर्जरी होगी आतंकवादियों की। ये भरोसा दिला रहे हैं रविंदर रैना, बीजेपी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी हुई है, वो कहीं ना कहीं भारत सरकार की मजबूती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत इच्छा शक्ति दिखाता है। कैमरामैन गुलशन के साथ समीर अब्बास, जम्मू, TV9 भारतवर्ष के लिए।